आज की इस वीडियो में मैं आपको लूज़ फेस पाउडर बनाकर दिखाऊंगी और ये लूज़ पाउडर बाजार में मिलने वाले महंगे लूज़ पाउडर की तरह बनकर तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेस पाउडर को बनाना। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक बेबी पाउडर। मेरे पास यहाँ पर जॉनसन्स बेबी पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का पाउडर ले सकते हो। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच बेबी पाउडर। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी रोज़ एसेंशियल ऑयल, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके बिना भी अपना जो फेस पाउडर है उसे बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पानी, मैं पानी उतना ही यूज़ करूँगी जितना हमें इसे पेस्ट बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही सकते हो। इसके बाद में आप इसे किसी फ्लैट प्लेट में इस तरीके से पलट दीजिए और यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। पलटने के बाद में मैं इसे चारों तरफ फैला लूँगी इवनली। इसके बाद में हम इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको इसे धूप में नहीं सुखाना है, रूम में ही सुखाना है। तो मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसके बाद में एक स्पून की हेल्प से मैं इसे इस तरीके से छुटा लूँगी। मैंने इसे पूरी तरह से प्लेट में से छुटा लिया है, अब इसके बाद मैं स्पून की ही हेल्प से मैं इसे इस तरीके से पीस लूँगी। आप चाहो तो इसे मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हो। इसको इस तरीके से पीसने के बाद में मैं इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी ताकि मुझे बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाए। अगर आप इसे मिक्सी में भी पीस रहे हो तब भी आपको ये छानना ही है, क्योंकि मिक्सी में भी पीस कर ये एकदम फाइन नहीं बनेगा। जब तक आप छानोगे नहीं तब तक आपको एकदम फाइन लूज पाउडर मिलेगा नहीं। मैंने इसे पूरी तरह से छान लिया है और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर हमें मिल चुका है, यानी जो हमारा फेस पाउडर है, फेस लूज पाउडर, वो बनकर तैयार हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी और बिल्कुल मार्केट में जैसा पाउडर मिलता है वैसी है। इसके बाद में मैं इसे कुछ इस तरीके के एक कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। याद रहे आप जिस भी कंटेनर में इसे स्टोर कर रहे हैं बस उसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए कैसा भी। तो हमारा जो लूज़ पाउडर है वो बनकर तैयार है। मैं आपको इसे लगाकर भी दिखा देती हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से लेके और एक्सेस पाउडर को इस तरीके से निकाल के मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये लग जा रहा है, जैसे मार्केट वाले पाउडर अप्लाई हो जाते हैं बिल्कुल वैसे। आप भी इस फेस लूज़ पाउडर को बनाकर देखो, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इसे बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।